दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के दरमियान एक जो ड्राइव निकाला, जो हमारे सीपी सर के आदेश के हिसाब से नायलन मांझा के अगेंस्ट जो कार्रवाई करने का जो उन्होंने आदेश दिए हुए, उससे पेट्रोलिंग कर रहा था हमारा डिटेक्शन स्टाफ और डिटेक्शन के अधिकारी। तो उसमें उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि नरसाड़ा गांव हनुमान मंदिर के पास एक आदमी नायलन मांझा बेच रहा है। उस हिसाब से उस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने पहले पंच साथ में लिए, और पंचों के साथ वहाँ पर उसके पास जब गए रेड की वहाँ पर, तो वहाँ पर एक आदमी अभिजीत भोंडे 27 साल का ये लड़का, इसके पास 6 रील नायलन मांझा के मिले। तो हमने उससे जब स्टाफ ने जब उससे पूछा, उसके बारे में पूछताछ की 6 रील के बारे में नायलन मांझा, तो उसने जिससे कहा कि सामने वाले से मंगाए, तो उसे भी उस वक्त ऐसे और मटेरियल के साथ वगैरह जब बुलाया गया उसी के थ्रू हमने बुलाया। तो बाद में फिर ये जो रियाज खान और मनीष गोलर करके ये दो और व्यक्ति ऑटो रिक्शा से उसे ऑल मार देने के लिए लेके आए जब, तो ऐसे उन्हें हमने दर्द पहुँचा, उनके पास आगे पूछताछ की। तो ये जो बाकी बाद में जो आए हुए थे रियाज खान और मनीष गोलर, इनके पास से हमें इनके रिक्शा में 180 बंडल नायलन मांझा के मिले, वो भी हमने ताबे में लिए, रिक्शा भी हमने सीज कर लिए इसके साथ में इनके, और ये तीनों को हमने ताबे में लेके उनसे पूछताछ की। आगे की भी उसकी पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। और इसमें ये मैटर, ये इसमें जो 186 टोटल बंडल जो मिले हैं नायलन मांझा के, ये जो मोनोकाइट नाम का एक मांझा का ये कंपनी सपोज बनाती है, जो भी बनाती है धागा, ये नॉट फॉर फ्लाइंग काइट ऐसे उसमें मेंशन रहता है, लेकिन वो यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसे ये ऑनलाइन भी ये इसकी बिक्री होती है, ऐसे हमें उसकी वेबसाइट से अगर गूगल में सर्च किया तो उससे हमें डिटेल्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से भी हमारे इंक्वायरी चालू है। और ये जो इसे माल ला के दिया था 180 का जो बंडल का, उसके बारे में हम अधिक तपास कर रहे हैं। इसमें तकरीबन हमने 1,48,000 के मांझा और 1.5 लाख की जो ऑटो रिक्शा जो इस गुने में यूज़ की गई थी, हमने वो सीज़ किया, से तकरीबन 2,02,98,000 का हमने माल सीज़ किया हुआ है।